नमस्कार दोस्तों, आज हमने बनाया है कच्चे आम का गुरम्मा। अगर ऐसा गुरम्मा आपको भी बनाना है तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखिए। मैं रविकला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत करती हूँ। और चलिए बनाते हैं कच्चे आम का गुरम्मा। आम का गुरम्मा बनाने के लिए हमने ले लिया है 200 ग्राम कच्चा आम, साथ में हमने ले लिया है 200 ग्राम गुड़। आम का हमने छिलका उतार करके धो करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो हमें आम के बराबर ही गुड़ लेना है, तभी जो है हमारा गुरम्मा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो चलिए बना लेते हैं अपना गुरम्मा। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तो एक छोटा चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे इसके अंदर। तो तेल को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। तो अब हम तड़के के लिए डालेंगे पचफोरन। दोस्तों गुरम्मा पचफोरन के तड़के से बनाइए, आपका जो गुरम्मा है बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने आधा चम्मच पचफोरन डाल दिया है। तो हमारा पचफोरन चटकने लगा है, तो मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियों को कूट लिया है और 3 लाल मिर्ची ले ली है। तो अब इसे डालेंगे। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है, तब आम को हम इसमें छौंक देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढक देंगे और 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। इसे चला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों 1 कप पानी हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 2 चुटकी हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हम इसके ढक देते हैं और आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं उबाल भी आने लगा है इसमें और धीरे धीरे हमारा गुड़ भी पिघल गया है। तो इसे बीच बीच में ऐसे चलाते भी रहेंगे हम, ताकि अच्छे से पक जाए। अब ये बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है, इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाना चाहिए, तभी ये हमारा गुरम्मा परफेक्ट तैयार होगा। तो हमारे आम पक चुके हैं, तो हम इसे ऐसे ही खोल के पका रहे हैं ताकि इसका पानी जल्दी से सूख जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो हमारा गुरम्मा बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। तो हम गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म ही इसे सर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा गुरम्मा तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। दोस्तों ये फ्रिज में रख कर आराम से हम 1 हफ्ते से 10 दिन तक रख करके खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से करिए। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।